हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीयूष दिव्या चैनल। सो भाई, फाइनली अपना प्रोग्राम बन गया है। कहाँ का? सबका फेवरेट मनाली। भाई हमने सुना है ये अटल टनल ओपन हो गई है सिर्फ 4x4 व्हीकल्स के लिए। तो भाई इससे पहले कि ना बर्फ पिघल जाए, जल्दी से चलते हैं मनाली, क्योंकि भाई मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। मैंने किस तरह अपनी बीवी को मना लिया कि चल ले यार, इससे पहले कि मैं अकेला भाग जाऊं। तो सबसे पहले चलते हैं, इस गाड़ी को धुलवाते हैं, क्योंकि ये भाई बहुत गंदी हो रही है। वॉश कराने से पहले क्यों ना डीजल भरवा लूं उसका, वो ज्यादा बेटर रहेगा मुझे लग रहा है। भीड़ क्यों है? क्या सारे लोग मनाली जा रहे हैं क्या? देखना एक बारी। आज तो वीकेंड ही तो है नहीं, वीकडे है, फिर क्यों इतनी भीड़ है? खूब सारी बर्फ पड़ी है अभी सोलंग नाले पे, इससे पहले पिघल जाए मेरे को देखनी है। और लोग कितना पेट्रोल भरवा रहे हैं भाई, बस करो ना, भरवाए जा रहे हो। भैया डीजल ये ऑटो कट कर दो। क्या रेट है डीजल? 2 रुपये सस्ता हो गया अब तो। 2 रुपये हो गया डीजल सस्ता। तो उस गाड़ी को कराना है वॉश। यहाँ से तो क्लीन है, अंदर से आगे से काफ़ी गंदी हो रही है। कितने का है? 3170। भाई ट्रिप से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ। शीशा गंदा है क्या? चेक करूँ? इट वॉज डर्टी। तो भाई ट्रिप से पहले, अरे भाई रुक जा, कर ले भाई, ठीक है। ट्रिप से पहले भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टैंक फुल, और उसके बाद हवा। टायर प्रेशर सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कोई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है जो बता देगा कि कम ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ हर ट्रिप से पहले ना एकदम करेक्ट हवा लेके चलूँ। आई थिंक 33 वुड बी परफेक्ट ना। सो मैं नितेश द कार एक्सपर्ट से पूछा। नितेश को अगर आप जानते हो तो एक वही इंसान है जो मेरे साथ MP गया था 12 दिन के ट्रिप पे, बट उसने मनाली जाने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ बर्फ होती है तो ठंड लगती है। तो उसने सजेस्ट किया कि 34 करा लो, योकोहामा जियोलैंडर में 34 बेटर रहेंगे। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, योकोहामा जियोलैंडर जिसके लिए हमने लगवाए थे बर्फ में टेस्ट करने के लिए, वो अब फाइनली कल या परसों में टेस्टिंग हो जाएगी। बस बर्फ मिल जाए और हमारे को टनल क्रॉस करके लाहौल जाने दे, क्योंकि लाहौल में तो डेफिनेटली बहुत बर्फ है और वहां पता चल जाएगा टायर का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो चलो भाई 34 कराते हैं और फिर करते हैं मजे। भैया 34 करनी है? 34। हाँ थोड़ा ध्यान से करना, पिछली बार मैंने भरवाई थी ना तो उसका नोट टूट गया था, ज्यादा जोर से प्रेस कर दिया शायद, वो टूट गया था। भाई लास्ट टाइम इसकी पिन ही तोड़ दी थी यार इन्होंने। मतलब मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि हमेशा हवा ना ये पेट्रोल पंप वगैरह से भरवाऊँ, क्योंकि और जगह भाई बड़ा नेग्लिजेंस रहता है, गंदे तरीके से भर देते हैं। बट यहाँ पे भी इन्होंने लास्ट टाइम एक टायर की पिन तोड़ दी, नए टायर की, पता नहीं कैसे तोड़ी जोर से। वो क्या होता है यार, एक छोटा सा एक पार्ट होता है ना जिसके थ्रू हवा जाती है उसमें, वो तोड़ दी। और भाई मैं देखा जब गाड़ी धुलवा रहा हूँ, मजे से हवा लीक हो रही है। अच्छा वो देख लिया, वरना MP में हो जाते। भाई यहाँ से अंदर ले जाना आसान काम नहीं है। यहाँ से कट जाएगी? ओ भाई शिट। ओ चलो भाई, बीस्ट इज गेटिंग रेडी फॉर द अपकमिंग ट्रिप। थोड़ा टाइम लगेगा। इन टायरों पे है सारा का सारा जिम्मेदारी। गाड़ी साफ कराने में यार 1 घंटा चले गया यार। गाड़ी साफ कराने में मजा तो आता है बट टाइम बहुत चले जाता है। अब उसको भाई किसी तरह कोप अप करना पड़ेगा और बाकी जगह टाइम काटना पड़ेगा। तो चलो भाई जल्दी से निपटाते हैं बाकी काम और फिर चलते हैं घर, क्योंकि पैकिंग तो पूरी करनी है अभी, सब बाकी है। सो फाइनली अब हम निकल गए हैं टूवर्ड्स, सही आ रहा हूँ मैं? सो फाइनली हम निकल गए हैं टूवर्ड्स मनाली। बहुत टाइम बाद प्रोग्राम बनाया गोलू के साथ। फाइनली अब हम भी जाने वाले हैं विद वाइफी। दिव्या बोल रही थी बहुत टाइम से, दोस्त क्या ट्रिप करते हो या अकेले जाते हो, मुझे साथ में जाना है। थोड़ा एक्साइटेड शो कर लो। अभी सुबह के टाइम में, सुबह के बज रहे हैं गाइज 4:30, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो रही है अभी। तो चलो गाइज अब आपको मिलते हैं सीधा गड्डी के अंदर। गोलू हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो और ग्राउंड फ्लोर आ जाए और लगेज देखना जरा कितना सारा है, और हम बस 3 दिन के लिए जा रहे हैं। आपने वाइट इसलिए पहना है क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होगी, सॉरी बर्फ पड़ी हुई है,
स्नोफॉल तो नहीं होने वाली डेफिनेटली। आराम से बोलूं। आज गेट में खोल रहा हूँ। ट्रिप कर ले। सॉरी इससे होगा, हो गया जीरो। सो भाई अब बज रहे हैं सुबह के 4:45। दिन निर्धारित समय से हमारी ट्रेन चल रही है। बोलो कितने मिनट लेट है हम? 45 मिनट ना। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4 बजे निकल जाए पर हो नहीं पाया। तो चलो गाइज अब चलते हैं यहाँ से। मोटा माटी दिखा रहा है एस्टिमेटेड 4:15। तो भाई 6-7 तो बजने ही है। चलो गोलू ट्राइंग टू क्या? हाँ स्पॉटिफाई डाउनलोड करना चाह रही है अपने फ़ोन में। और भाई हम जा रहे हैं आज नॉट थ्रू दिल्ली बट द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, क्योंकि वही दिखा रहा है और ज़्यादा दिमाग हम अपना लगाते नहीं है। कितना रह गया भाई? दिख ही रहा, 30 किलोमीटर और बचा है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और फिर हम डायरेक्टली जुड़ जाएंगे अपना वही चंडीगढ़ हाईवे पे मुरथल के आसपास। तो सारा दिल्ली इससे बाईपास हो गया और ये तो सोई पड़ी है, इसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा दुनिया में। भाई इस ट्रक को देख के तो फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं यार, वो कौन सी पिक्चर है जिसमें भाई ट्रक में से सारे पेड़ के लट्ठे होते हैं, बहुत सारे वो निकल के बाहर गिर जाते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन, इस ट्रक को देख के तो एकदम फाइनल डेस्टिनेशन की याद आ रही है। भाग लो भाई इस ट्रक से दूर। हाँ जी भाई 6 बज चुके और जरा सीन देखो सामने कितना खूबसूरत है। हम आ गए अपने घर से 85 किलोमीटर, सही एवरेज है 1.25 घंटे 85 किलोमीटर। गोलू उठ गया, गोलू सामने सीन देख कितना सुंदर है। चलो गोलू ने भी 1 घंटे की नींद ले ली और अब हम बस उतरने वाले हैं 2 किलोमीटर में इस एक्सप्रेस वे से। गोलू मुरथल आने वाला है, रुकना है क्या? नींद आ रही है, चाय पी के क्या? गोलू यू आर ऑन कैमरा। बोलू तो चलनी यार, एक पिक्चर लेनी है। क्यों? यहाँ पे सन किस्ट। प्लीज जॉइन मी। ओके गाइस अब आ गया है भाई, 266 किलोमीटर चल चुके हम, बच गए हैं 9। तो भाई निकले थे ऑलमोस्ट 4:45, आधे घंटे का ब्रेक लिया और निकले थे कब? 4:45 आधे घंटे का ब्रेक लिया सुखदेव पे और 9 बजे के आसपास हम 266 किलोमीटर आ चुके हैं। रहता है मोटा माटी 307। और गोलू अभी थोड़ी देर रो रही थी क्योंकि इसने गाना बहुत इमोशनल सुन लिया था। यार ऐसा हो जाता है कई बार, ऐसा हो जाता है, ऐसे कोई शर्म की बात नहीं है जब इंसान थोड़ा इमोशनल सुन ले। अब मैं वो गाना डाल ही नहीं सकता यार, फिर क्या कॉपीराइट आ जाता है। तो ये थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। गोलू तो यार हो जाता है लड़की थोड़ी इमोशनल, ये नहीं पता चल रहा पर इमोशनल हुई क्यों थी भाई। मोहाली और उसका जाम, जाम में फंसे फंसे हमें होने वाले हैं अब। ओ भाई 10:30 बजने वाले हैं, बहुत लेट हो गया। अभी यहाँ से बचा है रास्ता ऑलमोस्ट 256 किलोमीटर बट मोहाली और खरड़ के जाम ने तो भाई कमाल कर दिया आज, बहुत ही जाम है। वीकडे शायद इस वजह से ज़्यादा जाम है, कहना मुश्किल है। पता नहीं वो टनल कब आएगी यार, सुना है चंडीगढ़ से मनाली का नया रास्ता स्टार्ट हो गया जिससे 1 से 2 घंटे बच जाते हैं। शायद इसी वजह से मैं अभी 10:30 हूँ खरड़ में और ये दिखा रहा है कि मैं 4:21 पर पहुँच जाऊँगा। तो इसका यही मतलब हुआ कि कोई नया रास्ता बना है, तभी हमारे शायद 1-2 घंटे तो बच ही रहे हैं। सामने आ रहा है मैकडॉनल्ड्स और मैं सोच रहा हूँ कि एक क्विक स्ट्रेचिंग ब्रेक हो जाए। ड्राइव थ्रू है, जा भी सकते हैं भाई। मैकडी तो लग रहा है सेक्सी है ना, काफी जेन्युइन मैकडी है। बोलो थक गई, नींद आ रही थी मेरे को पर चलो मैकडी तो मिला। ओए ओए कितना अच्छा लग रहा फ्रेम में। व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर? देखते हैं। ईटन
ये तो बहुत टफ है ना भाई। लोग 12 बज गए हैं और अब मनाली दिखा रहा है 200 किलोमीटर यहाँ से, और ये आपका सबका फेवरेट लूप आ गया है जिसको लेके हम, याद है गोलू पिछली बार यहाँ से राइट लिया था या भूल गई? भूल गई भैया। ये यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे अभी, फिर वहां से राइट लेंगे मनाली के लिए। अच्छा, अब यहाँ से जाएंगे हम सीधा ऊपर, ये तो मुझे अच्छे से याद है, और फिर हम इसको ले लेंगे राइट। यार अभी तक तो सारा रास्ता सेम ही है, फिर आप कह रहे हो कि रास्ता चेंज हो रहा है? अभी नहीं, जब वो एक अभी आगे जब याद करो बहुत सारी टनल्स नहीं बन रही थी लास्ट टाइम आए थे हम, तो उसमें से कुछ ऑपरेशन हो गई है अब। अच्छा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा रास्ता मेरे ख्याल से वो जो बिलासपुर है, बिलासपुर मेरे ख्याल से बाईपास हो रहा है उसकी वजह से, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ उतना, पर अभी जाके पता चलेगा आगे। अभी तो यहाँ से भाई देखो 200 दिखा रहा है, पर मुझे लगता है इससे पहले जब हम जाते थे तो यहाँ से वो दिखाता था करीब 250। अभी बोर्ड पे 238 था। हाँ 238 है ना, उस पर देखो 200 दिखा रहा है, तो 38 किलोमीटर तक हम हुआ ही है ना इसका मतलब। पहले जब हम जाते थे हमारा ऑलमोस्ट बोर्ड से मैच टू मैच रहता था, है ना जीपीएस में, तो ये 38 किलोमीटर का फर्क तो पड़ा ही है। 38 किलोमीटर बहुत होते हैं पहाड़ों पे, एक घंटे का फर्क तो पड़ ही गया, पौना घंटा एक घंटा। तो ये जो आप सामने टनल देख रहे हो ये वही टनल है जो कि नई अभी लॉन्च हुई है। लॉन्च क्या यार, काफ़ी टाइम से बन रही थी, अब स्टार्टअप हो गई है नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो इसी का कब से वेट था भाई, जैसे टोल कटवाया हिमाचल का ये सामने आ गई है, तो आज इसी से जाएंगे और होपफुली बहुत टाइम बच जाना चाहिए। थोड़ा आपको साउंड आएगा यार क्योंकि मैं अभी हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ तो ट्रक के नॉइज़ है। सो ये है पीछे व्यू, और मस्त है यार ये टनल बन गई तो बहुत टाइम बचने वाला है मनाली पहुँचने के लिए। तो चलो चलते हैं टनल के अंदर, एंड दिस इज टनल नंबर 1 देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। पर वो जो पुराना रास्ता था वो कहाँ गया भाई, वो भी तो कहीं पे होगा, ये नहीं समझ आ रहा वो कहाँ गया। 1800 मीटर की टनल है ये भी ऑलमोस्ट, हाँ अटल टनल जैसी मतलब बनी हुई लग रही है। अमेजिंग भाई, मजा आ गया, कितने टाइम से यहाँ पे काम चल रहा था और अब फाइनली जाके कंप्लीट हुआ है। चलो चलते हैं। अब ये तो पता नहीं भाई ये टनल कहाँ पे निकली है, बट टनल 1 खत्म हो गई है, पर जहाँ तक है मल्टीपल टनल्स आनी चाहिए आज। देखो गाइस, पहले हमारा जो है जीपीएस और बोर्ड्स ना मैच नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब तक हमने हिमाचल में एंट्री नहीं करी हमने, देखो 182 किलोमीटर मैच हो गए। सो ये रही भाई अपनी टनल 3, और पता नहीं कितनी टनल आएंगी इसके बाद। ये तो भाई इनक्रेडिबल चेंज हो गया है मनाली के रास्ते में, इतने लंबे लंबे ब्रिजेस तो कभी थे ही नहीं, 3 टनल आ चुके, और उसके बाद देखना है कितना लंबा ब्रिज है, कम से कम ये मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज तो हो गई, और सुपर व्यूज हैं बराबर में, मजा आ गया यार। एक साल बाद मनाली आके सब कुछ बदल गया, मच डिजर्विंग अ बेबी कोक ब्रेक, बहुत डिजर्विंग है भाई, थक गया यार। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, 130 किलोमीटर बचे हैं अभी, और सामने बर्फ के जबरदस्त पहाड़, शानदार। अगर 130 किलोमीटर पहले ये व्यू है तो 130 किलोमीटर बाद क्या होगा। और पेट्रोल भरवाना है यार, पेट्रोल ना एम्प्टी पे आने वाला है, और मैं सोच रहा हूँ यार एक बार ये ऑटो कट करा के ना टेस्ट करते हैं कि आज टाटा सफारी की माइलेज कितनी निकली कट टू कट। 470 तो चल चुकी है, 20-30 किलोमीटर और चलाते हैं फिर डलवाते हैं। तो भाई 480 किलोमीटर चल गए हैं और ये रेड साइन पे आने वाली है, सो ट्राई करते हैं अब कि, वैसे 5-10 किलोमीटर मैंने और भी चलाए थे पर उनको छोड़ो, 480 मानते हैं और देखते हैं कि कितना डीजल इसमें आता है। चलो जी, डीजल 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 डीजल, अरे वाह। तो भाई देखते हैं अब इसमें कितना आएगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 11 की माइलेज से निकल के आएगी, और बाकी देखते हैं। ऑटो कट हो गया, ठीक है ली है टोटल गाड़ी 480 डिवाइड बाय डीजल आया 41.22, जो हमने पिछली बार भी ऑटो कट कराया था और इस बार भी ऑटो कट। 4-5 किलोमीटर फालतू है पर इसको छोड़ो। तो ये रही भाई अपनी माइलेज 11.64 की विद एसी, और जब से हम गुड़गांव से चले हैं, तो आप बताओ भाई सही रही, 480 किलोमीटर लगे हमें गुड़गांव से मंडी आने में।
खाली है, बस 25 किलोमीटर रह गया। और देखो यार कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो तबाही हुई थी उसका मंजर, आधी सड़क खा गई भाई ये नदी, ये आई थिंक उधर तक होती है, देखो ये सारी सड़क खा गई है और अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया इसका। क्या हाल हुआ होगा उस समय यार जब पानी लिटरली सड़क को ले गई और साथ में कितनी सारी गाड़ियां भी ले गई, पता नहीं कितना टाइम लगेगा सड़क को बनने में, क्योंकि नदियां देखो ना फ्लो यहाँ पे ले लिया है सारा का सारा। फाइनली जैकेट इज ऑन यार, मार्च में मजा आ गया। आज है तारीख, तारीख क्या है, 20 मार्च, 20 मार्च ही है ना कुछ, आज तारीख क्या है, आज डेट क्या है, चेक करना। तो गोलू को तो पता चला नहीं, डेट है आज भाई 20 मार्च, 20 मार्च 2024 को हम खड़े हैं मनाली में। बस यहाँ से 5-6 किलोमीटर और है अपना होटल, हर साल हम उसी होटल में रुकते हैं। और भाई यहाँ की तो काया पलट हो चुकी है, देखना पीछे सब टूट चुका है, नदी कहाँ से फ्लो कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ठंडक ओके ओके है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते ठंडक है। अभी आपको सामने लेके चलता हूँ, यहाँ देखना भाई कि नदी ने पता नहीं कितनी सड़क तोड़ दी और क्या क्या कर दिया। मेरी आवाज़ आपको इतनी क्लियर नहीं आएगी शायद, बट जस्ट लुक एट द व्यू। ठंड तो नहीं है गाइस, आई मीन शायद 10-12 डिग्री होगा, और थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है बिलीव करने में कि यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे बर्फ भी है, बट ठीक है जैकेट जितनी ठंड तो है ही, ओके लग रहा है। चलते हैं अपने होटल में, तभी पता चलेगा क्या माहौल है भाई। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा, आपको भी नहीं हो रहा ना कि यही जिस हिसाब से भी मौसम है और सामने बर्फ ढकी हुई है, धूप काफी तेज है और ठंड भी इतनी नहीं है, ज्यादा से 15 डिग्री टेम्परेचर होगा मेरे हिसाब से तो, और सामने बर्फ की चादर एकदम इंटैक्ट है। गाइस अब हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट, बस 4 किलोमीटर दूर है, सॉरी रिजॉर्ट नहीं होटल, अपना अफोर्डेबल होटल जहाँ हम मोस्टली हर साल ही रुकते हैं जब भी आते हैं, बहुत सही रहता है यार उसका रेट आपको एंड में बताऊंगा, बहुत ही सस्ता पड़ता है। पर यहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है बर्फ जैसे पिघल के आ रही है ना, बहुत ज़्यादा पानी है सड़क पे, इस समय तो बर्फ कंटिन्यूसली पिघल रही है, और पीछे अगर आप जैसे देखते ना तो अरे सड़क भी पा गई यार वो तो, अब सूख गई एकदम से सब कुछ यार, कुछ और पानी होगा नहीं यार, बर्फ का ही लग रहा था मेरे को तो पानी। और गाइस ये होटल में जहाँ हम रुकते हैं हर साल, ये मतलब एकदम अनबिलीवेबल प्राइसिंग पे है, और ऐसा व्यू देता है बस कि कमाल हो जाता है व्यू के नाम। तो ये बस इसमें एक होटल में एक कमी है कि ये थोड़ा ऑफ बीट है मॉल रोड से 4-5 किलोमीटर ऊपर जाके है, बट ये जो व्यू प्रोवाइड करता है ना मुझे लगता है ऐसा कोई भी नहीं करता, क्या बोलती हो आप? अग्रीड है ना, और कितना अफोर्डेबल है, हमेशा हमारे को ये पड़ता है 1500 में, और इस बार तो सिर्फ बताना कितने पड़ गया, 1000 रुपए में सिर्फ 1000 रुपए में ऐसा व्यू। इसलिए हमने तो यार अपना फिक्स करा हुआ है कि दिमाग ही नहीं लगाते मनाली आना हो तो सीधा यहीं पे रुको, और अगर लाहौल जाना जैसे हम कल जाएंगे लाहौल यहाँ से निकलेंगे हम, और वहाँ के लिए भी फिक्स है यार, नितिन भाई के पास रुक जाओ या अजय भाई के पास। कल का हमारा प्लान है, कल है 21 मार्च, और कल ना टनल ओपन नहीं है नॉर्मल टूरिस्ट के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि यार थोड़ा क्राउड कम होगा इसलिए, तो उसमें कंडीशन है इधर इमरजेंसी व्हीकल और 4x4 व्हीकल अगर इनकी बुकिंग है, तो यार मैं सोच रहा हूँ कि कल की बुकिंग करा के ना अजय भाई से, अगर उनके पास अवेलेबल हुई तो कल ही लाहौल निकल जाएंगे, क्योंकि परसों भाई गुड फ्राइडे है तो काफी तगड़ी भीड़ आने वाली है ना। हाँ भाई, लेकिन हर चीज की ना कीमत जो है साथ में एक प्राइस टैग के साथ आती है, तो यहाँ का प्राइस टैग है सुपर ऑफ रोडिंग कमर तोड़, भैया अच्छी ऑफ रोडर होना आपके पास तो ही ये होटल बुक करना। और ये देखो कितनी खराब सड़क है यहाँ की, और यहाँ कम से कम आपको 4-5 किलोमीटर ऊपर आना पड़ेगा एकदम ऑफ बीट। तो अगर ये होटल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनको क्या बोलते हैं अफोर्डेबल प्राइस में लोकेशन बड़ी शानदार चाहिए। ओके भाई फाइनली आ गए कमर तोड़ एक्सपीरियंस के बाद,